बाली उम्र में इश्क करके धोखा खा गई नाबालिग छात्रा। हम उम्र प्रेमी ने बिछाया ऐसा जाल जिसमें बुरी तरह फंस गई छात्रा। इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फोन पर प्यार और शादी से पहले बलात्कार। स्क्रीन पर दिख रही ये लड़की लव सेक्स धोखा का शिकार हो गई है। इसे बाली उम्र में इश्क करने की कीमत धोखा मिला। पीड़िता के मुताबिक उसकी अपनी ही हम उम्र लड़के से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली और फिर प्रेमी शादी का झांसा देकर उसकी आबरू लूट लिया। मतलब ऐसा होता है, एक लड़के से इंस्टाग्राम से हमारी बात हुई थी तो बात आगे बढ़ी, प्यार तक पहुंची। उसके बाद उसने मम्मी से बात करी कि जिम्मेदारी हम लेंगे लड़की की, फिर मम्मी मानी नहीं। उसके बाद उसने अपने पापा की बात आई मम्मी से कराई, फिर उसके बाद मम्मी ने उनकी मतलब भरोसा करके कोच मतलब भेज दिया उसके साथ। फिर कोच में एक रूम लिया हम लोगों ने, वहाँ पे रहने लगे। उसके बाद रहा तो उन्हें जबरदस्ती की हमारे साथ। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद तो उन्हें घर भेज दिया हमें। उसके बाद फिर बात करना बंद कर दिया, इग्नोर करना चालू कर दिया। बस फिर उसके सब जगह से ब्लॉक कर दिया। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर हम घर आ गए, उसके बाद उन्हें कुछ टाइम बात नहीं हुई हम लोगों की, उन्हें ब्लॉक कर दिया था हमें इसलिए। फिर उसके बाद मम्मी ने पूछा क्या हुआ, फिर हमने कुछ दिनों बाद मम्मी को सब कुछ बता दिया। फिर मम्मी ने कहा आगे जाकर कहा कि जी सब फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी उसके खिलाफ। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद के कोंच कोतवाली इलाके का, जहां नाबालिग पीड़िता को नाबालिग लड़के ने प्यार में फंसाया। प्रेमी ने पीड़िता ही नहीं उसकी माँ से भी शादी का वादा किया कि वह उनकी बेटी से प्यार करता है और शादी करेगा, जिसके बाद वह पीड़ित छात्रा को पढ़ाने के बहाने अपने साथ ले जाता है और उसके साथ बलात्कार करता है। जब ये मामला कोंच पुलिस के संज्ञान में आया तो आरोपी के खिलाफ मुकदमा लिखकर उसे गिरफ्तार किया गया। जी, एक कोतवाली कोंच में एक डायरी प्राप्त हुई है जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें एक लड़की है जिसने आरोप लगाया है कि इंस्टाग्राम पे उसी के हम उम्र के एक लड़के ने दोस्ती करके उसके साथ जो गलत कार्य किया है। इसके आधार पर हमने मुकदमा पंजीकृत किया है, हम तफ्तीश कर रहे हैं, जो भी विधिक कार्रवाई हम उसमें कर रहे हैं, पूछताछ भी जारी है। आगे जो भी इसमें तथ्य निकलेंगे वो हम आपके साथ साझा करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से पीड़िता ने बताया है कि प्रेमी ने घर से परमिशन लेकर उसके साथ रखा और फिर उसके साथ गंदा काम किया, बाद में भगा दिया, उससे तो यही लगता है कि आरोपी बहुत ही शातिर है। फिलहाल पूरी कहानी क्या है ये जांच में साफ होगा। फिलहाल अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता और आरोपी दोनों नाबालिग हैं और दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। जालौन से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, NTTV भारत।